हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल एंड मोटिवेटिंग मी थ्रू वेरियस कमेंट्स एंड लाइक्स बिकॉज ऑफ विच आई एम रियली इंस्पायर टू कवर मोर एंड मोर टॉपिक्स सो कीप इन टच चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमने बायोटेक्नोलॉजी के कई यूजेस देखे थे बायोटेक्नोलॉजी ने और एक इम्पॉर्टेंट फील्ड में भी रिसर्च किया था जिसका नतीजा है बी कॉटन सो आवर टूडेज टॉपिक इज बीटी कॉटन so आप लोगों को ये पता ही होगा कि फार्मर्स क्रॉप पर पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं टू तो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट बट बायोटेक्नोलॉजी ने एक ऐसी भी खोज की है जिसके हेल्प से कॉटन प्लांट पे इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड नहीं भी डाले तो भी पर्टिकुलर टाइप के पेस्ट उसे कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते तो उस कॉटन प्लांट को ही बीटी कॉटन कहते हैं सो बीटी कॉटन इज वन ऑफ द फर्स्ट क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी बी टी ये जो प्लांट है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है या फिर हम बी टी कॉटन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी टी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जी हाँ बी टी कॉटन ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है जो खुद ही इंसेक्टिसाइड बनाता है टू फाइट बोलवम सो बी टी कॉटन इज एन इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप डिजाइन टू फाइट द बोलवम अब ये ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है तो जैसे जैसे ये वीडियो आगे जाएगा आप लोगों को ये समझ में आएगा पहले तो हम बी टी कॉटन की हिस्ट्री जान लेते हैं बी टी कॉटन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू यू एस एग्रीकल्चर इन नाइनटीन नाइन्टी सिक्स

बीटी कॉटन को इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट है मोन सेंटो ये साइंटिस्ट ने बेसिलस थजियंसिस ये बैक्टीरिया से कुछ टॉक्सिन जिन निकाले और उसे कॉटन प्लांट में इंसर्ट कर दिए जिससे क्या हुआ कॉटन प्लांट खुद ही टॉक्सिन सब्सटेंस बना सका टू फाइट इंसेक्ट नाउ देखेंगे ये प्लांट बन ये प्लांट बनते कैसे हैं सो बी टी कॉटन वॉज क्रिएटेड बाय जेनेटिकली अल्टरिंग द कॉटन जीनोम टू द बैक्टेरियम बेसिलस थ इस बैक्टीरिया से जो जीन निकाले थे वो जीन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाते हैं जो कि टॉक्सिन फॉर्म करते हैं दैट मीन्स जो भी प्रोटीन या फिर जो भी जीन निकाला है बैक्टीरिया से वो जीन क्या करते हैं टॉक्सिन्स बनाते हैं जिसे हम प्रोटीन भी कह सकते हैं तो ये जीन कॉटन प्लांट में ट्रांसफर करने के बाद प्लांट क्या करता है प्लांट खुद ही टॉक्सिन सब्सटेंस बनना स्टार्ट करता है और ऐसे प्लांट के ऊपर अगर कोई पेस्ट या अगर कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट आता है तो वो उस प्लांट को खाते ही मर जाएगा सो दिस टॉक्सिन्स व्हेन इंजेस्टेड बाय अ सर्टन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिजहल्ड द गट लाइनिंग लीडिंग टू द ऑर्गेनिजम्स डेथ तो वो वहाँ पे मर जाएगा अब सवाल ये है कि इसे बीटी कॉटन ही क्यों कहते हैं अब यहाँ पे देखिए ये है बैक्टीरिया इससे जिन निकाले थे तो ये जो बैक्टीरिया का नाम है उसका ये जो पहला शब्द है दैट इज़ बी और जो दूसरा है टी तो इस वजह से इसे बी टी कॉटन कहा जाता है जो वीडियो के बीच में क्वेश्चन आया था जो कि था ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है तो इतना पढ़ाने के बाद आप लोगों को अब तक ये समझ में आया होगा तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा और कोई भी अगर एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक प्लांट का आप लोगों को जो पता है तो उसका भी नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो यहाँ पे मैंने लास्टली बोलवाम की एक लाइफ साइकिल बताई है अगर ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगती है तो आप लोग ये देख लीजिएगा तो आज हमने देखा है कि बीटी कॉटन क्या होता है उसकी हिस्ट्री देखी है और बीटी कॉटन को बनाया कैसे जाता है ये भी हमने डिस्कस किया है अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा थैंक यू